अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं होके आई हूँ बाहर से और आप लोगों को व्लॉग के आखिर में पता चलेगा कि मैं बाहर क्यों गई थी, और आप लोगों ने व्लॉग को लास्ट तक देखना है। आवाज़ नहीं निकल रही। और आज बहुत सारे काम की छोटी छोटी सी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताना है। और थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज अम्मी की बर्थडे थी तो वो करती नहीं है, उनको पसंद ही नहीं है करना। बहुत सारी एफर्ट के बाद मैं छोटा सा मिनी केक लाई और हम लोगों ने कट किया, तो उसका क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर करना। और आज देखेंगे, मैंने पहने हुए हैं हल्के हल्के से बूंदे, तो सब्जी की रेसिपी शेयर की है। और क्या मतलब, मुझे बहुत कुछ याद होता है कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना। जैसे ही कैमरा ऑन होता है हर चीज़ मैं भूल जाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। कहीं लाइट बहुत अच्छी आती है और कहीं लाइट बिल्कुल स्लो आती है। और यह है जी मेरी फाइनल लुक। कुछ भी नहीं किया, जस्ट लिपस्टिक लगाई और हल्का सा हाईलाइटर लगाया। यहाँ पर जी नाश्ता बनाने से पहले अच्छे से शेल्फ को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं और हम लोग रखते हैं ये है जी पैनाडोल, ठीक है, हेडिक की चेंज। और ये हूँ मैं जी, और ये है ताहा माय डियर सन। आज मैं छोटा सा पराठा बना रही हूँ अपने लिए। पराठा मैंने बनवा लिया, सिंपल छोटा सा पेड़ा लेके उसकी रोटी बेल के बस घी लगा दी। यहाँ पर जी फ्लेम मैंने हाई किया था। चलो छोटा सा पराठा बनाऊंगी और चाय बनाऊंगी। अब चाय रखती हूँ, पहले इसको हम लोग समेट लेते हैं। मैंने चाय, और जितना मैं दूध लेती हूँ उतना ही पानी लेती हूँ, फिर मेरी स्ट्रॉन्ग चाय रेडी होती है। पराठा हमारा रेडी हो गया, अब हम रेडी करते हैं चाय। साथ साथ में ये जो शेल्फ है इसको नीट क्लीन करती जाती हूँ। ये देखें जी पत्ती जो है ना मैंने ऐड कर दी है थोड़ी सी, और पत्ती ऐड करूँगी। पत्ती जो है ना वो हमेशा मैं स्ट्रॉन्ग रखती हूँ। ये देखें जी, और चीनी थोड़ी सी मैं मतलब लाइट पीती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे मीठा चाय में पसंद नहीं है। चलो जब हम चाय बनाते हैं। ये देखें जी बेहतरीन सी चाय रेडी हो गई है, अब मैं इसको कप में निकालती हूँ। आज मेरा मतलब कि नाश्ता करने में ना थोड़ा सा मौसम चेंज था, मैंने कहा चलो छोटा सा पराठा बनाती हूँ। चलो जी अब हम इसको डालते हैं कप में। ये देखिए गर्मा गर्म चाय कप ऑफ टी, ये है जी पराठा। यहाँ पर जी मैं तैयारी कर रही हूँ सब्जी की, जिसके लिए मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, और मैं बनाने लगी हूँ टिंडियाँ। लहसुन जो है वो फ्रेश पेस्ट बना रही हूँ, टमाटर लिए, हरी मिर्चें लिए, और एक ये प्याज मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और ये है जी प्याज फ्राई हो रहे हैं, लहसुन देख रहे हैं। और मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि मैंने क्या बनाना है, मैं कुछ अच्छी सी सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि वो ना होने से तो बेहतर है ना। और अगर चिकन पड़ा है, मीट पड़ा है, तो वो भी एक साइड पे बना लेती हूँ, मतलब सब्जी या दाल में ज़रूर बना लेती हूँ। कभी मॉर्निंग में इतनी जल्दी हम लोग खाना नहीं बना सकते, तो दाल और सब्ज़ी ज़रूर पड़ी होनी चाहिए थोड़ी सी। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, फिर इसमें मैं लहसुन और टमाटोस ऐड करूँगी।
इसको भी फ्राई करूँगी, थोड़ी सी इसकी रोस्मेल ख़त्म हो जाए। और जो ये वाला बच्चा होगा इसमें मैं 2 घूंट पानी ऐड करके ये भी ऐड करूँगी। 10 मिनट के लिए हम लोग इसको फ्राई करेंगे, फिर तब मैं ऐड कर दूँगी टमाटर हरी मिर्चें। सिंपल सा हम लोगों ने मसाला बना लेना है स्पाइसी सा। सब्ज़ी में हमेशा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ज़्यादा ऐड किया करें, सब्ज़ी जो है ना फिर मतलब कि अच्छी तड़ी तड़ी सी बनती है, ड्राई ड्राई नहीं होती, ग्रेवी स्टाइल सब्ज़ी बन तैयार होती है। अब मैं इसमें ऐड करूँ हल्दी, ठीक है, बेसिक स्पाइसिंग में नमक और रेड चिली पाउडर टीस्पून भर के, और इसे और ऐड कर देते हैं। और हमेशा जो टीलियाँ और कद्दू होता है ना वो हमेशा जो है ना, ये है जी रेड चिली फ्लेक्स। 2 घूंट मैंने पानी ऐड किया ताकि स्पाइसी बिल्कुल भी जले ना। और मैं ऐड करूँगी सब्ज़ी में 2 से 3 लौंग और थोड़ा सा ज़ीरा, ज़ीरा आप लोग कह लें कि हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। चलो अब पानी भी ऐड कर दिया, अब इसको टमाटोज को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर जी अब मैं ये चीज़ें जो है ना उठा के इनकी जगह पे रखती हूँ। चलो ये देखिए जी मसाला हमारा काफ़ी हद तक भून चुका है, थोड़े से टमाटोज हैं जो वो मतलब सॉफ्ट होना बाकी है। और यहाँ पर ये देखिए ये मैंने पानी में भी धो के रखी हुई सब्ज़ी, इस तरह से सारी मट्टी नीचे बैठ जाती है। अब मैं इसको इसमें ऐड करके अच्छे से भूनूंगी। ज़बरदस्त, बहुत बहुत अच्छी बनती है। आप लोग चिकन ऐड कर सकते हैं, बोनलेस चिकन या कीमा, जो मतलब आप लोगों की विश है। और अगर रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखें कितना मतलब निकलता है। चल जब हम इसको अच्छे से भूनते हैं, और इसको भूनने के बाद 10 सेकंड्स तो इसको दम पे छोड़ देना, कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना। ये देखें हमारी सब्जियां रेडी हैं, और अब हम ऐड करेंगे हरा धनिया। ज़बरदस्त हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई। इसके साथ आप लोग बनाए रायता और आप लोग बनाए सलाद, बेहतरीन हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। यहाँ पर जी मैं गूंदने लगी हूँ आटा, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ अपने आटे की रेसिपी शेयर करती हूँ। मतलब कि सबको पता है लेकिन मैं किस तरह से गूंदती हूँ, इससे बहुत अच्छा बनता है। ये है अजवाइन और कलौंजी, थोड़ी सी 2 चुटकी अजवाइन है और 1 चुटकी कलौंजी है, और नमक तो मैं मतलब मस्ट है कि मैं ऐड करती हूँ। और अब मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, मतलब कि ना थोड़ी क्वांटिटी में मेरा आटा है तो मैं इसलिए थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोग इस तरह से आटा गूंद के रखा करें, मैं इस तरह गूंदती हूँ। और मैं इसको सिंपल जो पराठा होता है ना होममेड, जस्ट रोटी की तरह बेल के ऊपर हल्का सा घी लगा के बच्चों को बना के देती हूँ, हाथ में उनको पकड़ा देती हूँ तो वो क्या करते हैं खाते रहते हैं, बहुत अच्छी डो बनती है। थोड़ा थोड़ा पहले आप लोग पानी ऐड करके इसको नीट कीजिए। और अभी मैंने सब्ज़ी बनाई थी उसकी रेसिपी रिकॉर्ड की है, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ आटे की रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ। और जितना अच्छा आपका आटा गूंदा होगा उतना ही बेहतर और अच्छी रोटी फुलका फूलेगा, अच्छा होता है। थोड़ा थोड़ा अब एक हाथ में मेरे कैमरा है, साइड साथ साथ आप लोग साफ करते जाएं, आपका बर्तन भी नीट रहेगा। ये देखिए जी बर्तन मेरा बिल्कुल साफ है। चलो जी आटा हमारा गूंद चुका है। ये देखिए जी ये है जी मेरी सालन की फाइनल लुक, मज़ेदार। और यह है जी मेरी रायता, मज़ेदार। चले जी अब हम खाना खाते हैं, ठीक हो गया। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर तो करना ज़रूर बनता है आप लोगों का। सैलड भी आप लोग काट लीजिएगा, आज मैंने सुस्ती कर ली है। यहाँ पर जी मैं आई हूँ बाहर बच्चों के साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे, घर जाके बताऊंगी कि क्या लेने आई हूँ। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अम्मी,
बर्थडे किसकी है? हैप्पी बर्थडे अम्मी। ये कौन कर रहा है? चलो तालियां बजाओ ना प्लीज। हमें तो पता ही नहीं चला, चुप करके ही।